बांग्लादेश में आप कैसे होटल बुक कर सकते हो एज अ टूरिस्ट। दोस्तों, एज अ इंडियन ट्रैवल ब्लॉगर मैं 2 टाइम बांग्लादेश विज़िट किया, होटल बुक किया, तो कैसे मैं सबसे सस्ता और बढ़िया होटल कम खर्चे में बुक किया वो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देना है। देखो, बांग्लादेश के होटल बुकिंग आपको 2 टाइम में ज़रूरत पड़ेगा। एक, जो आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो उस टाइम में आपका होटल बुकिंग आपको दिखाना पड़ता है फॉर योर वीज़ा। और बहुत लोगों का ऐसा मीन्स मानना है, मुझको मैसेज कॉल करके बताया, सर मैं तो अभी होटल बुक कर लेता हूँ बट वहाँ पर जाकर उस होटल में अगर नहीं रहा तो मैं क्या करूँ। तो दोनों ही पर्पस में आपको बोल देता हूँ कैसे आप बेसिकली जो वीज़ा के लिए होटल बुकिंग करोगे विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट पे, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। और रियलिटी में, रियल ग्राउंड में जब उस स्पॉट में जाकर आप जो जगह पे घूमने जा रहे हो, ढाका जा रहे हो, कॉक्सबाजार जा रहे हो, चट्टोग्राम जा रहे हो, चिटागोंग जा रहे हो, बरिशाल जा रहे हो, आप बांदरबन जा रहे हो, जो टूरिस्ट स्पॉट्स है बांग्लादेश में, वहाँ पर जाकर आप फिजिकली आप कैसे होटल बुक कर सकते हो। चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं सस्ते में, ठीक है। तो चलिए, नंबर 1, वीज़ा के लिए आपका जो होटल बुकिंग की ज़रूरत पड़ता है, राइट, उसके लिए आपका बेस्ट है आपका फ़ोन ऑन करो, ओके। एक ऐप इंस्टॉल कर लो जिस ऐप का नाम है booking.com। क्या नाम है? booking.com। booking.com ऐप में जाकर वहाँ पर ऑप्शन है पेड बुकिंग और नॉन पेड बुकिंग। पेड बुकिंग और नॉन पेड बुकिंग, आपको क्या करना है, नॉन पेड बुकिंग ऑप्शन में जाओ जहाँ पर पैसा नहीं लगता बुकिंग करने के लिए। आपको हज़ारों आपको होटल्स मिल जाएगा, ओके। कोई रीजन सिलेक्ट कर लो, ढाका सिलेक्ट कर लो, चिटागोंग सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर एक बुकिंग कर लो और ऑटोमेटिक आपका जस्ट 1 मिनट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट पे आपका होटल बुक हो जाएगा, राइट, होटल बुक हो जाएगा। तो बुकिंग करके उसका एक प्रिंट आउट ले लो, जब वीज़ा के लिए जा रहे हो वीज़ा ऑफिस में वो प्रिंट आउट दिखा दो, इट इज़ डन, हो जाएगा। वहाँ पर फ़ोन नंबर सब कुछ रहता है। बांग्लादेश का वीज़ा मिलता है मैक्स टू मैक्स 5 to 10 डेज़ के अंदर, 5 से 10 दिन के अंदर। अगर आप कैसा लगता है भाई ये होटल मुझको नहीं रहना है, इस होटल का कॉस्ट मैं जो booking.com से बुक किया है, ठीक है, चलो यार जाकर मैं खुद से ढूंढ लूँगा और बाद में मैं 2-3 जगह जाऊँगा, 2-3 जगह अलग अलग होटल बुक करूँगा। तो आप क्या करो भाई, एक रिक्वेस्ट है, आप सिंपली वीज़ा मिलने के बाद ये वाला बुकिंग आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। वीज़ा के लिए बुकिंग था, वीज़ा मिल गया है, आप बुकिंग आप कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कर दो। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, कैंसिल नहीं करते, बट सोचो दैट इज़ यू आर यूजिंग देयर प्लेटफॉर्म booking.com का, बट उसको एक आप तो पैसे तो नहीं लगा आपको बुकिंग करने के, तो बोर्ड कैंसिल करने के पैसा नहीं लगता है। सिंपल ओके जाकर कैंसिलेशन बॉटम प्रेस कर दो, जैसे हम अमेजन में प्रोडक्ट कैंसिल करते हैं, फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट कैंसिल करते हैं, डिलीवरी कैंसिल करते हैं, सेम प्रोसेस है, कैंसिल कर सकते हो। तो अभी आप पहुँच चुके हो वहाँ पर स्पॉट में। सपोज मैं आपका खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ, मैं पहुँच गया कॉक्स बाज़ार में। भाई कॉक्स बाज़ार एक इतना एक्सपेंसिव टाउन है, टूरिस्ट स्पॉट्स है, वहाँ पर लोग जाने से पहले से डरा रहा था, भाई कॉक्सबाजार में जाओगे तो एक रूम का खर्चा पड़ेगा 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये, 10000 रुपये। वहाँ पर रुपये नहीं बोला, टाका बोला जाता है बांग्लादेश, टाका। पर यकीन मानो यार, मैंने बोला भाई तू छोड़ मैं देख लेता हूँ। मैंने बुक किया था वहाँ पर चिटागोंग कॉक्सबाजार जाकर होटल, 2 जन रहता, सिर्फ बांग्लादेश करेंसी में 700। वो अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे थोड़ा सा कमी आता था उस टाइम में, मैं एक 1.5 साल का पहले का स्टोरी मैं बोल रहा हूँ। तो इतना सस्ता, अगर मैं अकेला जाता, अकेला का लिए पड़ता 400 रुपीज़ के अंदर मैंने एक 3 स्टार एक बहुत ही बढ़िया होटल मैंने बुक किया था। और होटल का भी वीडियो है, मैं अगर पॉसिबल याद रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर डिस्क्रिप्शन में मैंने नहीं दिया तो आप खुद जाकर थोड़ा प्ले लिस्ट पर जाकर चेक करके देख लो, 2-3 वीडियो तो है ऑन द होटल के ऊपर। तो कैसे मैंने बुक किया, देखो, पहले जो ढाका में जाकर, सॉरी चिटागोंग में पहुँच कर, रात को मैं 2 बजे चिटागोंग पहुँचा, कॉक्सबाजार पहुँचा था रात के 2-2:30 बजे, ओके। नाइट कोच बस से शाम के वक्त मैंने उठा था, 2-2:30 बजे पहुँच गया था कॉक्सबाजार। तो कॉक्सबाजार जाकर जो मैं 2-4 होटल में मैंने जाकर मैंने पूछा, वो लोग बोल रहे थे भाई इतने एक्सपेंसिव। तो मैंने फिर इस्तेमाल किया ये वाला ऐप, दैट इज़ द booking.com। मेरे फ़ोन में ऑलवेज़ ये ऐप सेव रहता है। booking.com में जाकर ऊपर एक ऑप्शन है जो होता है ना, जस्ट लाइक जो होटल का जो फेयर है लोअर टू हाई, नीचे से ऊपर दिखाओ, सबसे सस्ता पहले दिखाओ और जो एक्सपेंसिव वो बाद में दिखाओ। तो वहाँ पर जाकर मैंने कमाल देखा, वहाँ पर ऐसे भी होटल थे जो एकदम सी बीच के तो एकदम पास नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस मान लीजिए पैदल 5 मिनट के डिस्टेंस में होटल है, जहाँ पर आपको मिल सकता है 500 रुपीज़ में, 400 रुपीज़ में, 700 रुपीज़ में होटल का रूम मिल जाता है। अगर आप मैंने वीक ऑफ में जाते सॉरी वीकेंड में वीकली डेज में जाते हो राइट ओके वहाँ पर वीक डेज डिफरेंट होता है बिकॉज बांग्लादेश में मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री वहाँ पर फ्राइडे को वीक ऑफ रहता है राइट वीकेंड रहता है तो फ्राइडे को लोग ज़्यादा घूमने ढूमने जाते हैं मैं फ्राइडे को छोड़कर बाकी दिन जगह जाओगे जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे दिन में जाओगे तो होटल फेयर बहुत ही कम मिल जाता है तो वहाँ पर मैंने booking.com में जाकर फेयर को मैंने नीचे से ऊपर सेलेक्ट किया तो आई गॉट द होटल। तो वहाँ पर मैंने लोकेशन सर्च किया जीपीएस में लोकेशन मैंने देख लिया मैप में देखकर गूगल मैप पे देख देख के चला गया बुकिंग कर दिया बाहर रह के अंदर जाकर स्पॉट में मुझको मिल गया इतना बड़ा होटल इतना नीट एंड क्लीन रूम ऑल फैसिलिटीज़ में। और एक तरुण भाई मेरे साथ गए थे दोनों लोग एक डबल बेड का हम लोगों ने दो सिंगल डिफरेंट बेड का मैंने रूम लिया था सिर्फ बांग्लादेश करेंसी में 700 टाका में राइट। अभी इंडियन करेंसी का थोड़ा सा स्ट्रेंथन ज़्यादा था तो लगभग इंडियन करेंसी में 500-600 में दोनों अकेला बुक करता तो मैंने बोला आपको 400 में दे देता अगर सिंगल जन आते थे तो सोचो 400 रुपीज़ पर हेड इतना सस्ता है इससे सस्ता तो इंडिया में भी नहीं मिलता है ओके। तो टेंशन एकदम नहीं करना है बांग्लादेश में आपको दो तरह के जाकर भी बुक कर सकते हो और ये वाला ऐप जो मैंने बोला booking.com इसको सेव करके रहो ओके ऐसे बुक कर सकते हो। सो यू हैव गॉट ऑल आइडिया डिस्क्रिप्शन में देखो मैं ऑलरेडी वो जो होटल का मैंने नाम नेम और वीडियो मैंने दे दिया है वो ज़रा थोड़ा सा देख लो देख कर अगर चाहते हो वही होटल बुक कर सकते हो नाम लिख देना booking.com में इट विल बी बुकड ऑटोमेटिकली और भी बहुत सारा ऑप्शन वहाँ पर होगा वो भी देख लेना ठीक है एज़ पर योर बजट एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप बुक करो। अगर आपका बजट है 3000 पर डे होटल बुक करो आपका बजट है भाई 500 रुपीज़ करो कोई इशू नहीं ऐसा नहीं आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। होप सो दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मेक योर बांग्लादेश टूर प्लान। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। वो पहले जो मैंने बोला वीज़ा के लिए जो होटल का प्रोसेस वो भी बहुत काम का चीज़ है भाई बहुत लोग मुझको फ़ोन करके बोलते हैं भैया मैं बांग्लादेश का होटल कल इंडिया से कैसे बुक करूँ जो उसको पता नहीं है। शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया टेक्निक भी बता दिया तो इसके लिए मुझको थैंक यू बोलने के लिए क्लिक कर दो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।